और दोस्तों यहाँ पे अभी इतना प्यारा व्यू दिख रहा है कि क्या ही बताएं आपको, आपको दिखाई लेता हूँ सीधे। तो दोस्तों अभी हम दूसरे वाले धारे में आ गए हैं और यहाँ भी पानी भर दिया है, तीन धारों का हमने पानी भर लिया है। और दोस्तों हमें सात धारों का पानी इकट्ठा करना है और पहले धारे का हमने इस पर कर दिया है और अभी हम दूसरे धारे में जाने वाले हैं। यहाँ पे अनुज देखो, यहाँ नीचे से पानी यहाँ ऊपर डाल रहे हैं। ओ माय गॉड, ये देखो ये कद्दू के पत्ते हैं और ये बाकी ये है मार्चो। कैसा लग रहा? बहुत टाइम बाद मिट्टी के किचन में रोटी बना गई वो भी चूल्हे। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो? आयो पच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो शुरुआत हो गई एक नए दिन की, तो चले आज की ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS Choice ब्लॉगर में। और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से और बहुत लंबे टाइम बाद आपको ब्लॉग देखने को मिल रहा है। तो बहुत टाइम से सोच रहा था ब्लॉग बनाने का पर टाइम नहीं मिलता था, फाइनली हम घर आ गए हैं तो घर में टाइम ही टाइम है। और बाकी इन खूबसूरत पहाड़ों को देखे मेरा मन कर गया कि आज तो ब्लॉग बनाना चाहिए आपके लिए। और सबसे पहले आपको पहाड़ के इन खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं और फिर ब्लॉग में बने रहते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आज के नज़ारे, हल्के हल्के बादल हैं और अच्छी वाली धूप के लिए है। बाकी ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि बारिश आती है तो बारिश में पहाड़ एकदम धुल जाते हैं, एकदम साफ दिखते हैं। बाकी मौसम एकदम साफ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आजकल के नज़ारों की तो बात ही क्या करें, मौसम एकदम साफ है और बाकी खेतों में एकदम हरियाली छाई हुई है। खेतों में आजकल मंडुवे की खेती है, साथ ही में मक्का भी है और राजमा की दाल भी लोगों ने बोर किया है। हमारे यहाँ नीचे पे ये राजमा की दाल है और बाकी हर जगह हरियाली हरियाली छाई हुई है। और यहाँ पे बाहर वाली किचन पे मैडम जी बना रही हैं सुबह का नाश्ता, ये देखो रोटी। कैसा लग रहा? बहुत टाइम बाद मिट्टी के किचन में रोटी बना गई वो भी चूल्हे में। अब आदत टूट गई है ना थोड़ा। हाँ, क्योंकि दो तीन महीने बाद आ रहे हैं हम घर तो थोड़ा अलग लग रहा होगा। और ये हमारे डब्बू का अड्डा, ये देखो यहाँ पे रोटी दे रखी है पर रोटी नहीं खा रहा है डब्बू। दोस्तों अभी सुबह का नाश्ता हो गया है और इनकी तैयारी हो गई है खेत में जाने की। झंगूर की लवाई हो रही है आजकल खेतों में। और बाकी ये देखो ये कद्दू की बेल, इतनी बड़ी कद्दू की बेल हो रखी है पर इस पर अभी एक भी कद्दू नहीं लगा, खाली फूल ही फूल लगे हैं देखो। A few moments later. और यहाँ पे माँ अभी कपली बनाने की तैयारी कर रही है और यह है किसके पता, ये कद्दू के पत्ते हैं और ये बाकी ये है मार्चो, ये देखो। तो कद्दू के पत्तों की भी अच्छी कपली बन दी है, बाकी इनका बाहर का भी ये छिलका टाइप का निकाल रहे हैं और बनाएंगे कपली। और बाकी हमारा डब्बू भी बीमार हो गया है देखो, यहाँ पे सूखा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, गर्म हो गया शायद डब्बू, ये देखो। और दोस्तों मौसम की तो बात ही क्या करें, पल भर में बदलता रहता है। सुबह तक अच्छी धूप लगी थी और अभी पूरा आसमान पैक हो चुका है और हल्की हल्की बारिश भी आने लगी है। अभी तो बहुत कम है पर थोड़ी देर में शायद बारिश आना शुरू हो जाएगी। ऊपर से तो ये देख सकते हो काले बादल आ गए हैं, देखो ये देखो। मैंने सोचा था एक दो घंटे बाद आएगी पर पाँच मिनट भी नहीं हुए बारिश आना शुरू हो गई है, ये देखो। तो अभी हो रहा शाम के 4 बजे का टाइम और बहुत ही ज़बरदस्त वाली बारिश आ रही है और सामने उकीमठ तो फर्स्ट क्लास वाली धूप लगी है और यहीं देख सकते हो आप बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत तेज। ओ माय गॉड, ये देखो दोस्तों यहाँ से आप साफ नज़ारा देख सकते हो,
जैसे यहाँ अभी बारिश आ रही है क्योंकि आसमान पूरा काला हो रखा है, बादल लगे हैं और वहाँ अभी धूप लगी है, तो कुछ बादल यहाँ से जा रहे हैं और कुछ यहाँ से जा रहे हैं। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वहाँ भी बारिश होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अभी हो रहा है शाम के 5 बजे का टाइम और हम आ रखे हैं अपने पुराने धारे में, ये देखो। और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा कम था और अभी पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल अब बारिश होने लगी है अच्छे से, बस क्याव लग चुका है तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बाकी ये पूरा पानी अंडरग्राउंड वाटर है, यहीं पर दिखता है, इससे ऊपर कहीं नहीं दिखता है, अंदर ही अंदर आता है। और उस टाइम यहाँ पूरा बंद था तो पानी बहुत कम था और अभी देख सकते हो आप पानी बहुत ज़्यादा है। कुछ पानी यहाँ लगा रखा है और बाकी कुछ यहाँ धारे से निकल रहा है। तो अभी यहाँ पे अच्छी खासी सफाई हो रखी है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी पानी की पूरी व्यवस्था है अभी और खेतों में आप देख सकते हो झंगोरा और मंडवे की खेती हो रखी है। बाकी लोगों ने राजमा की दालें भी बोई हुई हैं, कुछ इस तरह से अभी का मौसम। और दोस्तों में 7 धारों का पानी इकट्ठा करना है और पहले धारे के हमने इस पर कर दिया है और अभी हम दूसरे धारे में जाने वाले हैं, मेरे साथ में अनुज। और दूसरे धारे में हम कहाँ जाने वाले हैं आपको दिखाते हैं और वहाँ पानी पहले कितना था और अभी कितना है वो भी देखेंगे। यहाँ पे तो पानी बहुत बढ़ चुका है, बाकी कल तक ये टैंक पूरा फुल रहता था पर अभी इसको खोल दिया है क्योंकि छोटे बच्चे इसमें जाएंगे तो डूबने का खतरा है, इस वजह से ये पानी पूरा निकाल दिया है। तो चलिए अभी दूसरे धारे में निकलते हैं। यहाँ पर अनुज देखो, यहाँ नीचे से पानी यहाँ ऊपर डाल रहा है, कब तक भरेगा तू, मतलब कब तक भरेगा ऐसे में। यह है झंगोरे की खेत, इनमें से झंगोरे की लवाई हो गई है और कुछ ऊपर ही देख सकते हो, तो यहाँ से भी लवाई नहीं हुई है। बाकी हम अभी दूसरे वाले धारे में जा रहे हैं, पूरा जंगल वाला रास्ता है और पूरा अंधेरा है यहाँ क्योंकि घने यहाँ पे पेड़ हैं और बीच में रास्ता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं दूसरे धारे में और यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है, अगर थोड़ा पैरों का बैलेंस ख़राब हुआ तो सीधे धड़ाम से नीचे गिरना है। बाकी आजकल तो बस क्या हो के टाइम पे बारिश के मौसम में जहाँ देखो वहाँ गदेरे आ रहे हैं, ये देखो यहाँ भी पानी आ रहा है और मैं गिर गया था वीडियो बनाने के चक्कर में और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि मैं यहाँ जूतों में आ रखा हूँ, मेरे जूते पूरे भीग जाएंगे अब और कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन एक है यहाँ से मैं जा सकता हूँ पर यहाँ भी गिरने की बहुत डर है, अगर फिसल गया तो मुझे सीधे यहाँ नीचे घास में गिरना पड़ेगा, संभल के जाना पड़ेगा। ये देखो फाइनली अभी हम दूसरे धारे में पहुँच चुके हैं और यहाँ का पानी भी आपको दिखाता हूँ। उस टाइम ये उंगली भर आ रहा था और अभी कितना ज़्यादा आ रहा है, बाप रे पानी के देखो तो मुझे मज़ा आ गया यार, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है उस टाइम, इतना बारीक आ रहा था पानी और अभी पूरा हाथ भर पानी आ रहा है। और कुछ पानी यहाँ से भी निकल रहा है, जब ओवरफ्लो हो रहा है तो यहाँ से पानी निकल रहा है। बाकी अभी यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, खाली हरियाली हरियाली हर जगह और पानी की तो बात ही क्या करें, इतना ज़्यादा पानी। सो दोस्तों अभी हम दूसरे वाले धारे में आ गए हैं और यहाँ भी पानी भर दिया है, 3 धारों का हमने पानी भर लिया है क्योंकि कल पूजा है तो 7 धारों का पानी चाहिए। बाकी यहाँ का पानी तो दूसरे वाले धारे के मुकाबले बहुत ज़्यादा पानी है, ये देखो बाप रे, और हर जगह से पानी निकल रहा है, यहाँ पूरे रास्ते में पानी पानी है। बाकी अनुज ने देखो पानी को देख के सर धोने लगा है, पानी का फुल मजा ले रहा है अभी।
तो अभी हमारा ये वाला काम पूरा हो चुका है और अब निकलते हैं घर की ओर। तो चल भाई, मज़ा आ गया तुझे? इसने तो सीधे सर धोता है इस ठंडे पानी से। देख सकते हो आप रास्ते में, पूरे रास्ते में पानी पानी है देखो। और मैं इस दीवार से जाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे अभी इतना प्यारा व्यू दिख रहा है कि क्या ही बताएं आपको। आपको दिखाई लेता हूँ सीधे, ये देखो यहाँ पे इस वाली चोटी में धूप लगी है, बाकी यहाँ पे रेनबो भी है और ये खूबसूरत से खेत और सामने ये चौकम्बा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाह। तो दोस्तों घर आते आते अंधेरा हो गया था और बाकी अभी खाना भी हो गया है। तो आज की ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। और बहुत लंबे टाइम बाद ब्लॉग बनना है तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है? बाय बाय।